सरकार एक तरफ घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद कर रही है या प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचकर पैसा जुटाने में लगी है, तो दूसरी ओर सरकारी प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा कर रही है या किराए पर देकर आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इस दिशा में अगला कदम बढ़ा दिया है, जिसे नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन का नाम दिया गया है। इसके लिए सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है और सरकार इसके माध्यम से करना क्या चाहती है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की एक झलक बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी थी। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ऐसी पुरानी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण कार्यक्रम यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू करेगी जहां भी इसकी संभावना दिखेगी। सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन, राजमार्ग जैसी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने या किराए पर चढ़ाकर आय बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। आइए समझते हैं क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 8 मंत्रालयों की प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा की जा सकती है या किराए पर दी जा सकती है। साझा करने का अर्थ होगा कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगी, जबकि किराए पर देने का मतलब है किसी सरकारी काम को प्राइवेट हाथों में देकर उससे किराया वसूला जाएगा। जिन 8 मंत्रालयों में यह काम होना है उनमें रेलवे, टेलीकॉम, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, बिजली, युवा मामले और खेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवेज शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग वित्तीय वर्ष 2021-24 के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम बना रहा है। नीति आयोग ने इन 8 मंत्रालयों से कहा है कि वे अपनी प्रॉपर्टी की पहचान करें और बताएं जिन्हें पाइपलाइन में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर, स्पोर्ट्स स्टेडियम और अन्य सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है या प्राइवेट कंपनियों को किराए पर दिया जा सकता है। इस विषय पर हमने पत्रकार मिताली मुखर्जी से बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की। So I think in the context of India, you have to be clear about the nuances to asset monetization and what form and shape it's taken over the last couple of years, depending on which government is in power. I mean, of course, a lot of what you've explained already is what the process itself is, but I think you have to also be clear about what it is not. So for example, last year or the year before last, there was a move by the finance minister to club many of the smaller PSU banks together. This was seen as a very sort of path-breaking move in terms of banking reforms. That's not asset monetization because you are not deriving any value out of selling that particular asset, but instead you're clubbing them all together. Again, I think a point of criticism that has often been made about public sector banks and when governments, public sector, organizations largely, not just banks, and when governments go out to monetize those assets is what do you leave inside that particular asset that is of value to a buyer? So if it is a situation where you are stripping a company of its land value, of the money on the books. You have, through a process of the last few years or many years, lost many of the efficient employees, the standout employees. Then there's not that much value left for someone who's looking to buy this as an asset. There's another part to the problem, which is what is this asset saddled with when I'm trying to get into asset monetization? And I'll give you, a couple of examples here. The first one is for LIC. Life Insurance Corporation, which the government is extremely keen on monetizing. It will be launching the IPO. It was planned last year. It didn't happen. It's planned this year. It is a big chunk of what the government hopes to get in terms of revenues, courtesy its disinvestment to asset monetization program. LIC's problems are huge. It's always been saddled with taking on the pains of other companies, of stepping in and buying when other people didn't in moments of panic or
in other situations when there were banks or financial institutions that were really turning turtle. Would someone who's hitting the market want to buy something of this value? Is there a reason that a bank like HDFC Bank is valued so many times more than a State Bank of India in the stock market, despite the fact that the State Bank of India is, you know, it's a monolith compared to HDFC Bank across India geographically and otherwise? So that's one part of the problem. I think we need to start thinking more creatively about asset monetization. There's been so much talk of Air India, and an investment banking person laughingly told me that she's been, you know, 20 years back when she was in the investment banking space, that's when the conversation started about disinvestment of Air India. There was some debate, and some aviation officials did point out that what we need to do is looking at splitting this up in terms of domestic carrier and international carrier. But I think that that sort of, you know, that really hard-nosed business analysis of some of these assets is not happening. Finally, I think the point I want to make is that the government, I think, will now have to start thinking between disinvestment and privatization. Because in terms of disinvestment, in terms of, you know, letting up a little bit of the government stake, a lot of that juice is already out of the system. So now the really hard task that lies ahead is picking up an asset, ensuring that it is a lucrative buy, and then placing that within the market to actually gain some proceeds. I know there's a lot of pushback against privatization or asset monetization. You know, it's seen as selling the family silver. I don't agree with that point of view, but I do strongly believe that we are not doing this efficiently enough, which is why our collections in terms of the targets that the government sets for itself from asset monetization proceeds have actually consistently been extremely low and extremely disappointing. Monetization ya maudrikaran ke bare mein Kendriya Mantri Nitin Gadkari bahut pehle ishara de chuke hain. केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की अगले 5 साल में टोल ऑपरेट ट्रांसफर टीओटी के जरिए राजमार्गों का मोनेटाइजेशन कर 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है. गडकरी ने कहा था एनएचएआई अगले 5 साल में टीओटी के मार्फत राजमार्गों का मौद्रीकरण कर 1,00,000 करोड़ रुपए जुटाना चाह रहा है. हमें शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. हमें विदेश के निवेशकों के साथ ही पेंशन कोषों से भी पेशकश प्राप्त हुई है. रेलवे में भी होगा बड़े स्तर पर बदलाव. ऐसे ही एक प्रयास के तहत सरकार ने 150 पैसेंजर ट्रेन को प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी की है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ काम प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे ताकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट को ऑपरेट किया जा सके. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को किसी प्राइवेट कंपनी को लीज या किराए पर देने के लिए तैयारी हो चुकी है. रिपोर्ट की माने तो रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किराए से 90,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना बनाई है. इसके लिए मंत्रालय 150 पैसेंजर ट्रेन को प्राइवेट कंपनियों को दे सकता है. अंत मार्च तक देश के 50 रेलवे स्टेशनों को दोबारा विकसित करने के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल और RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन जारी किया जा सकता है. सरकार MTNL, BSNL और भारत नेट का मोनेटाइजेशन भी करना चाहती है. इसी तरह खेल मंत्रालय देश के स्पोर्ट्स स्टेडियम का मोनेटाइजेशन करना चाहता है. खेल मंत्रालय ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है. स्पोर्ट्स स्टेडियम प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दिए जाएंगे और स्टेडियम का ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा सकता है. कोरोना महामारी के दौरान जब अर्थव्यवस्था ढीली पड़ रही है, सरकारी खर्च बढ़ रहा है और आय लगातार घट रही है, तो सरकार मोनेटाइजेशन का काम तेजी से बढ़ाने पर विचार कर रही है. अब सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. मगर सरकार के फैसले पर विशेषज्ञों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.